क्रांति के साथ घूमते घूमते बताइए उत्तराखंड पहुंच गए। इट इज अराउंड 6 डिग्रीज, बाकी सब ठीक ठाक है, थोड़ी सी ठंड सी लग गई है, नाक थोड़ा सुड़ट सुड़ट कर रहा है। सौरभ जोशी और उनके परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। उनके यहां पर बातचीत और खाना वाना खाकर हम आगे बढ़ गए थे। अब मिलना था क्रांति से। भैया करंट जगह पे मिल लिए लोग, नहीं तो हम तो आगे निकल लेते। उनको खड़ा करके सही किया, बहुत बढ़िया किया भाई। क्या बात है भाई, सब आपके सर वाले लोग हैं। क्या बात है, स्वागत है आपका, फैंटास्टिक, वाह। नमस्कार, कैसे हैं आप? ये मुखी बाजी है, सारे ब्लॉग्स बनाते हैं। वाह, रामनगर। अरे अरे वाह, मैं कुछ नहीं करता, सूरत को दिया दिखाने का सामान है। वाओ, व्हाट अ लोकेशन, वाह, मजा आ गया। आपका मैं स्वागत करता हूँ कॉर्बेट नेशनल पार्क में। आज मिलेंगे कुछ खास दोस्तों से, साथ होंगी कुछ बातें और खाएंगे कुछ गजब का खाना। कैसे भैया? ये मेरा बड़ा वाला भतीजा एमएलए। अरे वाह, चाय से शुरुआत, कॉफी वाले, कॉफी वाले इग्नोर हो गए भाई, कुछ नहीं हो सकता। आप जानते हैं मुझे दोस्तों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। मजेदार बात है कि दोस्त सिर्फ मेरे दोस्त तक ही सीमित नहीं, मेरे दोस्तों के दोस्त भी मेरे दोस्त बनते हैं। आलोक मेरा दोस्त आज मिला क्रांति से, आज मैं मिला क्रांति की दोस्त श्वेता से, सब दोस्त मिलकर चल पड़े साथ साथ। मटन दिखाऊंगा, पागल हो गए। मीट नहीं मटन है, शिकार भात। पता नहीं दाल गली कि नहीं गली, लेकिन मटन तो गली। इसके अंदर डाइजेस्टिव चीजें हैं, इसलिए मैं कहता हूं। शिकार मटन और आलू के गुटके, क्या जुगलबंदी थी दोस्त। उफ, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हम लोगों ने पहाड़ी खाना खाया यहाँ पर, फार्मर एंड सन्स कैफे एट द कॉर्बेट। और अब हम मिलने जा रहे हैं उस लेडी से जिन्होंने आज का जबरदस्त मटन बनाया। ये फैंटास्टिक। शांति के साथ घूमते घूमते बताइए उत्तराखंड पहुँच गए। अरे वाह, ये आपने इतना बढ़िया मटन बनाया था, वाह बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा खाया। हाँ जी, और खाए और खा भी गए और सबने खाया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी हम किसी नए जगह पर जाते हैं, मौका मिलता है हमको उस जगह के कल्चर के बारे में कुछ जानने का, देखने का मौका मिलता है कि लोग कैसे मुस्कुराते हैं, अपनी जिंदगी बिताते हैं। ये क्या हम कॉर्बेट के अंदर से निकल रहे हैं हम लोग? सर ये जो लेफ्ट पे है, ये CTR कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एरिया है। अच्छा, ये तराई वेस्ट का फॉरेस्ट है। ओके, लोग जा रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने का एक सस्पेंशन वाला ब्रिज है जिसको गर्जिया ब्रिज बोलते हैं। वाह, चले हाँ चले, चलिए। वाह, फुल कॉन्फिडेंस। मैंने उस दिन कहा, मैंने कहा मैं आऊंगा ही, मैं अब मिलने आऊंगा ही। पटने में मिलना था, मिल गए हम लोग उत्तराखंड में, देवभूमि में मिल गया। वाह, अब तो कितना पुराना है, लिखा हुआ भी नहीं है। क्या बात है, ये ब्रिज हिलता है। अरे वाह, और ये कौन सा ब्रिज है? इसको सर झूला पुल बोलते थे, गर्जिया पुल, जैसे मंदिर है। गर्जिया पुल है, गर्जिया। मुझे हमेशा लगता है कि जब हम किसी जगह पर जाते हैं तो उसका एक मजा होता है, लेकिन जब साथ कोई दोस्त हो तो उस जगह में चार चांद लग जाती है। आज सुबह ही मैं क्रांति से मिला था और श्वेता और उनके साथ मिलकर हम लोगों ने खाजा खाया था, बहुत मजा आया था। और अब हम मिल रहे हैं इस पुल पर, साथ बने रहिएगा क्योंकि आप भी मेरे दोस्त हैं। बाय बाय, क्रांति मिलते हैं, जिंदाबाद, ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया, लॉट्स ऑफ लव, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब चलते हैं नैनीताल। वी हैव अ ब्यूटीफुल सनसेट ऑन द वे। क्या बात है, यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट।
ये एरिया है बिजरानी, यहाँ पर ऑल द सफारीज दे गैदर हियर, दिस इज द गैदरिंग पॉइंट फॉर देम। अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं ड्राइविंग टुवर्ड्स हल्द्वानी एंड देन नैनीताल। आपको गुनगुनाना अच्छा लगता है? मुझे दोस्तों के साथ गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता है। चलिए आप भी गुनगुनाइए ये गाना। सुरमई सी है राहें, करती है देखो बातें, ठहरा सा है वक्त भी, ठहरी सी है ये आंखें। मजा आता है यूं ही दोस्त अगर हम लोग साथ मिलकर घूमें और गुनगुनाएं यहां पर और जिंदगी में भी। हम लोग इस अमेजिंग जगह पर आ गए हैं, इसकी बाकी खूबसूरती आप कल सुबह देखेंगे। इट्स ब्यूटीफुल। टेम्परेचर क्या होगा दोस्त? 10 डिग्री है भाई, रात को 6 जाने वाला। ये जो रिजॉर्ट लेंगे आज 100 साल से भी पुराना है, आलोक के दोस्त का है, बहुत ज़रूरी है भाई साहब। कई बार कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं। इस बार मैं आया गलती से, ग्रीन स्क्रीन का कपड़ा जो काफ़ी बड़ा है वो रह गया मेरे बैग में। मैं सोच रहा था क्यों आया, आज मैं समझ गया क्यों आया, क्योंकि भाई इट इज़ अराउंड 6 degrees, द हीटर इज़ ऑन, बाकी सब ठीक ठाक है, थोड़ी सी ठंड सी लग गई है, नाक थोड़ा सुड़त सुड़त कर रहा है। वेरी वेरी स्लीपी, वेरी टायर्ड, कपल ऑफ डेज नो स्लीप एट ऑल, आज सो रहा हूँ। ये ग्रीन स्क्रीन अच्छा है भाई, लपेट लो भाई, लपेट लो, लपेट लो। गुड नाइट। थक कर सोना, सोते हुए सपने देखना, और भोर सुबह उठकर उन सपनों को साकार करने में जुट जाना, यही तो है जिंदगी। गुड मॉर्निंग आलोक, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मॉर्निंग। ये चाय आइए। आज यहाँ पे थोड़ी देर पड़े रहने वाले हैं, बहुत दिनों से सुबह शाम घूम रहे थे। स्टेनलेस स्टील के ग्लास में पीने में आनंद आ रहा है, और इतनी गर्मी मिल रही है। अमेजिंग अमेजिंग। कुछ इंटरेस्टिंग सा ब्रेकफास्ट करेंगे भाई, बहुत ज़रूरी है। कल रात को थोड़ी ठंड लगी थी, पर उसके बाद कवर करके सोया, और सुबह तो खैर एकदम तैनात, ठंडक का एहसास, ऊपर जैकेट लेकिन नीचे मेटल की ठंडक। चाय सी पी रहे हैं। बहुत जरूरी है। आई डोंट रिमेम्बर लास्ट व्हेन आई वाज सिटिंग लाइक दिस। इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड ब्रिटिश टाइम बंगलो। सो नाउ वी आर तैनात। हम लोगों को आज एक वीडियो अभी अपलोड करना है, सुबह वो उसका वॉइस ओवर कर दिया था मैंने, देन हैविंग अ फाइनल लुक एट इट एंड देन इट विल गेट अपलोडेड विद द मोबाइल फोन। मेरे मित्र आलोक सिंह, इनको मैं मिला था लखनऊ में, और अब स्वप्निल और मैं इनके साथ उत्तराखंड घूमने वाले थे। शुरुआत नैनीताल से। जी हाँ, खूबसूरत नैनीताल। We are stepping out to go to नैनीताल। चलो नैनीताल चलते हैं दोस्त। Superb। बहुत ही फ्रेंडली सी जगह है, डज नॉट हैव द शिमशाम वैसा है ना कुछ। भाई साहब आपको देख के मुझे ठंड लग रही है, आप बुश शर्ट में घूम रहे हो। भाई ऐसा मत करो, हमारे को दिखाने के लिए पहन लो यार जैकेट। अभी हम बैठ गए हैं, नैनीताल की तरफ जा रहे हैं, और तभी कल से जो केक आया था उसका टुकड़ा खा लें। वैसे हम लोगों ने सोचा था कि आज हम नहीं जाएंगे नैनीताल, पर वहाँ पर पता चला कि जलेबियाँ मिलती है वहाँ पर। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। समोसे समोसे मिलेंगे कि नहीं? अरे समोसे। अनजानी राहों पे, अनजानी छाँव में, हमेरा सुकून। नमस्ते जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं? अभी लगेगा टाइम है? अच्छा ऐसे करके खींच लो। अरे वाह क्या बात, क्या बात है भाई साहब, अमेजिंग। जोन में, जोन में।
अच्छा अभी रोड रेडियो का सीजन थोड़ा ना हुआ अभी उन्हीं का तो सीजन चल रहा है इस वक्त अभी वही चल रहा है क्या बात करो यार ओके यही तो देखना चाहते थे जब से छोटा था जब से छोटा बच्चा था कमाल की धुआ दोस्त वाह अमेजिंगली पीसफुल नमस्ते जी आइए आइए जी हाँ वेलकम मुझे दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता है और आप मेरे दोस्त हैं संग घूमते हैं नैनीताल घूमने जब आए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए सबसे पहले जलेबी नोचनी चाहिए जलेबी नोचनी चाहिए हमने जलेबी भी खाई समोसे भी दोस्तों से भी मिले और नैनीताल में नौका विहार भी किया संग दोस्त बने रहिएगा यूं ही साथ मेरे दोस्त आशीष विद्यार्थी एक्टर व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं अगले व्लॉग में अल शुक्रन बंधु अल शुक्रन जिंदगी